स्वीटीज किचन में आपका स्वागत है। आज हम हरे धनियों को किस तरीके से लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं तो वो तरीके मैं आपको बताऊंगी। अक्सर ऐसा होता है मार्केट या सब्जी मंडी जब भी जाते हैं तो 4-5 दिन या 1 सप्ताह की सब्जी एक साथ ले आते हैं तो हमें हरा धनिया भी एक साथ ही लाना पड़ता है। तो उसको किस तरीके से हम लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं तो देखिए, ये मैंने 2 बंच हरे धनिए के लिए मार्केट में इसी तरह के मिलते हैं, इनमें से मैं अब रबड़ निकाल देती हूँ। कई बार हमें रूट्स वाला भी मिल जाता है, कई बार बिना रूट्स का भी मिल जाता है, तो ये रबड़ बैंड निकाल देते हैं। अगर आपको ऐसे ही स्टोर करना है या फिर इनकी जो स्टिक होती है इनको निकाल के स्टोर करना है सिर्फ पत्तों पत्तों को, तो आप इनकी स्टिक तोड़ ले अलग कर दीजिए और पत्ता पत्ता है वो इस तरीके से तोड़ के अलग रख लीजिए। और सबसे पहले देखिए कि इसमें जैसे जो खराब पत्ता हो, पीला पड़ रहा हो या गल रहा हो, उनको इस तरीके का इनको आप पहले निकाल दीजिए, उसके बाद आप पत्तों को अलग कर लीजिए। चाहे तो आप ऐसे भी स्टोर कर सकती हैं, तो मैं आप 2 तरीके से आपको बताऊंगी। एक तो मैं डायरेक्ट इसी तरीके से बताऊंगी और दूसरा मैं आपको इनकी पत्तियों को अलग करके किस तरीके से स्टोर करेंगे वो मैं बताऊंगी। इनको स्टोर करने के लिए सबसे पहले हमें इनकी स्टिक से पत्तियों को इस तरीके से अलग करना पड़ेगा। इस तरीके से हम सारी पत्तियों को अलग कर लेंगे। बंच के मैंने पत्ते पत्ते अलग कर लिए हैं, अब इनको किस तरीके से हम स्टोर करते हैं वो आपको मैं बताती हूँ। तो देखिए, इस सारे पत्तों को मैं दूसरी प्लेट में ट्रांसफर कर लेती हूँ। ये ट्रांसफर कर लिए, अब लेंगे हम किचन टावल या टिश्यू पेपर। अगर आपके पास टिश्यू पेपर ना हो तो आप न्यूज़पेपर में भी इनको लपेट सकते हैं इस तरीके से। इनको हमें दबाना नहीं है, बस हल्के हल्के हाथ से सिर्फ ऐसे रखना है सारे पत्तों को, बस ऐसे करेंगे हल्के हाथ से। और इनका जैसे एक पाउच बनता है उस तरीके से पाउच बना लेंगे। मैंने ऐसे फोल्ड कर लिया है, अब एक दूसरा हम टिश्यू पेपर लेंगे उसमें इनको अच्छे से फिर से फोल्ड कर लेंगे ताकि इनके पास नमी ना पहुंचे। इस तरीके से हमने बना लिया ताकि एकदम फोल्ड हो गए। अब लेंगे हम एक जिपलॉक बैग और इस जिपलॉक बैग में हम डाल देंगे ने उस धनिया को बंद कर दिया है। अब इसको मैं साइड में रख देती हूँ। आपके पास टिश्यू पेपर नहीं है तो आप कोई भी न्यूज़पेपर ले सकती हैं, उसको अच्छे से फैला लें, 2-3 फोल्ड ले लीजिए। डबल फोल्डिंग वाला पेपर मैंने ले लिया। अब जैसा हमने मार्केट से धनिया लिया है ये पूरा बंच, इसमें से सबसे पहले हम जो गले पत्ते या खराब पत्ते उनको देख के निकाल देंगे। इसमें मुझे कोई दिख नहीं रहा, ये थोड़ा सा दिखा, उसको हम साइड से निकाल देंगे क्योंकि ये पहले गल जाएंगे जो गले हुए हैं, और जो साफ पत्ते हैं उनको हम निकाल लेंगे इस तरीके से। ऐसे का ऐसा ये बंच हम इस पेपर में रख देंगे और इसको अच्छे से फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। हमें इसको दबाना नहीं है, बस ऐसे ही इसको फोल्ड करते जाना है। देखिए, अब काफी फोल्ड में अंदर धनिया हमारा चला गया है और इसको अब हम ऐसे फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। ऊपर वाले धनिया को हम क्या करेंगे, एक इस तरीके का कोई भी कंटेनर लेंगे उसमें इस धनिया को हम रख देंगे। अगर आपके पास न्यूज़पेपर ना हो, आपके पास टिश्यू पेपर हो तो एक पहले टिश्यू पेपर नीचे लगा दीजिए, फिर उसके अंदर इस तरीके से रैप किया हुआ धनिया रख दीजिए, उसके ऊपर वापस एक टिश्यू पेपर रख दीजिए, फिर इसको बंद कर दीजिए। मैंने एक कंटेनर के अंदर अच्छे से बंद कर दिया है, धनिया हमारा स्टोर हो गया है। अब इन दोनों
इसको हम फ्रिज में स्टोर करके रख देंगे। इस तरीके से रखेंगे, आप इसको बीच बीच में देख लीजिए, दो तीन दिन बाद या चार दिन बाद जब भी आपको यूज करना हो, उसके बाद जो भी पत्ते गल जाएं या फिर ख़राब हो जाएं उनको आप निकाल दीजिए। अगर आपका पेपर या टिश्यू जो भी आपका नम इसमें मॉइस्चर आ जाता है तो मॉइस्चर के लिए उनको हटा दीजिए और वापस इसी तरीके से वापस पेपर लगा के वापस रख दीजिए, तो आपका धनिया है वो काफ़ी दिनों तक चलेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे या धनिया स्टोर करने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए।